सादशतीर सूरवा जो जन ले सी जान। अरे अरे अभिमानी उन जीव का कदे न होत कल्याण। भक्ति का मामला में मेघर से ठेठ हुई अगवाणी हाँ कुण कुण होया और कहीं कहीं परीक्षा दिया कथा है जिन्हें किया करे ऋषि परवान। रामदेव जी महाराज का 24 परवान में उल्लेख है कदे आप देख जो कुछ है। विश्वास है विश्वास सतार कसीता युग युग रण होया। विश्वास सतार कसीता युग युग जगवान होया। अमर जो तरी क्या गरमाई सत है सत पकना सतना। अमर जो तरी क्या गरमाई सदी जाने ना सतना। भगतोर भगवान की जय हो। है विश्वास सदा रिख सीधा। मेघवाला ने रिखिया केवे कई जगह बार भी केवे और पहली रिखी केता आथुनी साइड के मायने बार भी रिखिया केवे। है विश्वास सदा रिख सीधा युगा युगा ए अगवान होया। अमर ज्योत है रिखिया घर के माई सत है सत बांके ना सत ना ना। जी टाइम के मायने सृष्टि रची बी टाइम के मायने भगवान विष्णु सत्य जांच बाकी खातर ही भूमंडल पर आया। वाह वाह वाह। कोडिया को रूप बना लियो अरे एक परण ले लियो के भाई मैं भोजन भी कई घर करूं लाज को कोई मन आपकी लड़की पर ना। वाह वाह वाह। भोजन नहीं करावे तो सतरेवे को नहीं अरे भोजन करावे तो लड़की पर नहीं पड़े। वाह अब लड़की कौन पर ना। अरे लड़की पर ना वो छोड़ रकोटिया ने घर का माई कौन बड़वा देवे कोई। गेट में कहे मेघडी पुराण में किया करे आसन छोड़ चलिया अविनाशी सती जाचन ने जग में जाय। मेर हुई सारा जग में फिरगा सती नजर मांगे कोई नहीं आए। पूरा जगत में फिरगा आ कोई कौन क्यों आ गयो महाराज मारे घरे भोजन कर। फिरता फिरता चित्तौड़गढ़ के मायने मेघ ऋषि जी हा बांके घरे जाए अलग जगायो जन बेसम्मान दियो आओ महाराज बिराजो। मैं मारी लड़की आपने प्रणाशु बाकी भूखा कौन जावा जो जन भगवान विचार कर रहे सती तो है तो सिर एक दो ही। दसों दिशा में फिर कर आया कन्याकुमारी मिली को निदान। आई मेघ घर अलग जगायो और घर में गा कर पायो बे सम्मान। अब बे सगड़ी बातें वगते होगी तन्ने त्याग उपाय तुलसा पान भूल प्रगट करवाए। संकल्प लियो तुलसा का पाना चांद सूरज री साख भरा। संकल्प ले लियो चांद और सूरज री साख भरा दी सब काम उबाला गया। फेरा की बात उबाला गिर भगवान विचार करियो आया तो सत जांच बाकी खातरार मामलो अलग मुड़गो अटक।
जे फेरा हो जाई जना टापन के तो घर जवाई रेणु पड़ी हरखे कबनी ना हो लेकिन मेगड़ी केवे नहीं अरे बिको कबनी ना इन सागले चालनी पड़ी हां जन भगवान मटगा उबा उर बेरुगा मेघ ऋषि जी क्यों जाओ सिद्ध कहतो ते बचन क्यों दियो अरे अरे बचन दे दियो नी जनब परनीजर जाओ जन भगवान चार दिन को समय मांगियो क्यों चार दिन पाछो आशियो बरात ले राशियो कुटुंब ने ले रहे चार दिन की प्रभु आज्ञा देव कुटुंब ने नहीं बुलाई जे हाँ मारे कुटुंब में परिवार में जान ले रहा चार दिन को समय मांगे वा चार दिन का चार युग बना दिया सतयुग त्रेता द्वापुर और कलयुग हर युग के मायने का अगवानी होया कौन कौन या देखो ध्यान लगा सुनवा की बात है सतयुग में पहला तो सतयुग में पहला दो श्रीया दे भरंगरी की के लाग्या लाल सतयुग के मायने पेला जी भगता जका को नाम सगड़ाई जाने अर पेला जी के गुरु आ श्रीया दे कुमारी हां को नाम ही सबलान ढा है क्या ने पण श्रीया दे कुमारी के गुरु कोना भी बात न ठक श्रीया दे कुमारी के गुरु आ भरंगरी की जी नाम मेघवा बांका शब्दों श्रीयादी जी ने ज्ञान हुई और श्रीयादी जी का शब्दों पेड़ा जी ने ज्ञान हुई यहाँ करता करता 5 करोड़ जीवों को कल्याण हुई पण आगे कौन आ
5 करोड़ जीवों को कल्याण हो प्रहलाद जी के टाइम। और के राजा हरिश्चंद्र रानी तारा दे गाता बिलोचन गुरु निवाज रिख ओंकार जी शब्द जी लाया जन 7 करोड़ का श्रेय काज। राजा हरिश्चंद्र के टाइम में ओंकार जी नाम में गुआढ़ा बांका शब्दाऊ 7 करोड़ जीवों को कल्याण हो। 5 करोड़ 7 करोड़ 12 करोड़ मेरे हर गुरु के पुत्र दुर्वासा कुंता पांडो ला शब्द तैयारी किया तेरे 2 करोड़ का सरदार का अजी तक कर शब्द तैयारी किया तेरे 2 करोड़ का सरदार का ओ जिलाया 12 करोड़ का सरगा का विश्वास विश्वास सदार भगवान की जय हो। के नरार गुरु के पुत्र दुर्वासा कुंता पांडु लाग्या लार नरार जी महाराज में ग्वाड़ा बंके शिष्य दुर्वासा जी और बंका शिष्य पांडु नरार गुरु के पुत्र दुर्वासा कुंता पांडु लाग्या लार अरे सत्का शब्द दिया नहीं किया ने जो 9 करोड़ का शरिया काज 12 करोड़ 9 करोड़ 21 करोड़ गुरु अतिरिक्त राजा बल्ली चित मन बुद्धि दियो विचार युगा युगा रिक शब्द जी लाया जन 12 करोड़ का श्रेय है काज 21 और 12 33 करोड़ देवी देवता को नाम चल रहा है ना यही है बाकी 33 करोड़ देवी देवता को नहीं देवी देवता 33 कोटि है। अब देखो एक कलयुग के मायने कौन कौन अगवाणी हुआ कौन कौन आगे हुआ के वे अजी राजा अजय सिंह ताल खुदायो निरन निकलो एक दा अजय सिंह ताल खुदायो निरन निकलो एक दा जी आया हो भी परे पणिया विश्वास सीता अजय सिंह ताल खुदाया नीर नहीं निकलो एक दार
अजय पाल जी नाम राजा हा जका अजमेर जिलो बसाई बे कई करियो घोड़ो लेर जावा जो को छोटा खाबू चक मायने पानी भरियोडो देख कर गया पाचा आया तो ही बुतो को बुतो ही भरियोडो दूसरे दिन देखियो तो ही बुतो ही ऐसा करता करता मैं ना खांड तक भी पानी में राजा देखियो विचार करियो रे वो पानी है जो को सुसक को नहीं कम को नहीं अगर आप इन चारों में रुको दा तो पानी पानी हो सके सेना लगा दी प्रजा लगा दी तलाव खोद वन खोदो भाई जिया खोदे बिया ही वो पानी है जो को नीचे जा बाकी रेवे बत्तों को जन राजा है जका ज्ञानिया ने मुनिया ने ऋषिया ने अन इकट्ठा करिया पंडिता ने भारी भारी विद्वान आ जका ने इकट्ठा कर पूछो रे भाई एक माई पानी फुल किया हुआ जन की राजा साहब हवन चालू कराओ ये करवाओ पानी हो जाशी राजा आदेश दे दियो ये चालू कर दियो कासा दिन निकल गा पण पानी हुयो कौन राजा पाचार पूछ रे भाई पानी हुयो को नहीं गीतो नरोई वाल दियो जन वे आपको पीछो छुड़ा बाकी खातर के वे के राजा साहब किम पानी इया को नु है तो क्यों कोई आदमी खुशी खुशी आपकी काया की आउती दे देवे होम के माय तो पानी उसके आपकी काया में कौन वाला वे विचार करियो आपकी कोई काया होमनोन कोई पानी होनो जन माइत गोत का मेघवाल हा महाचंद्र ऋषि जी का शिष्य पोकर जी ना बे आपकी एक एक आंगलिया एक एक हाथ काट काट रही हवन में हो म्या बे मन में विचार करियो रे अपना एक का मरबा कत्ता जीवा को बोलो उसी कत्ता न पानी आता सी बे आपकी काया होमी जन ब्रह्मा जी चार को जाधार बटे दर्शन दिया और पताल छेकर पानी निकालियो बिन पुष्कर कहवे है पुष्कर मेघवाला के दीन है और गऊ घाट मेघवाला के नाम प्रसिद्ध है गऊ घाट पर पोकर जी महाराज की समाधि है वहां सुबह शाम पूजा अर्चना हुआ है और देखो कौन कौन या कहवे राजा रण सिंह जी को राज हो बी टाइम के माय खिवण जी महाराज आ मेघवाल नरण दूध का और बांका गुरु आ समश ऋषि जी ना एक दिन वे समश ऋषि जी बैठा बैठा तपस्या करा मुरबो राल पहले का जमाना में छोड़े भक्ति को नहीं करवा देता राजा रण सिंह जी आया जो वो मुरबो आंत्रो कर दिया कुणर उठ समस्त ऋषि जी ने तमोगुण आएगा रीस आएगा
कि राजा तुम्हारे भक्ति में भंग पटक्यो है पर थारे शरीर में भंग पट जासी कोड होगी। कितना टाइम लगी कोड होगी? रूम रूम के मायने खून और रात का रेला चालवा लागा। अब वे राजा आज का जगा 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 नाड़ी वेदा कन दवाया गासा फूलिया घूटिया सब ले ली तैयार को नहीं हुआ। एक समा रण सिंह जी को डुयोड़ी अर नरना दूध में गया खेवण जी महाराज का गांव। अरे घोड़ा ने पानी पावा अर खेवण जी महाराज के घरोल आनी जका पानी ले बातन आया। घड़ो ऊंच माता पर अर हाथ को पानी झड़कायो। ए मामा काई करे पानी को घड़ो ऊंचा नहीं जन हाथ को पानी झड़काया करे। हाथ को पानी झड़कायो नहीं जी टेम रण सिंह जी के छाटा लागा। छाटा लाग बाऊ बा शरीर की तपती न कोड की तपती बा कम हुई। विचार करियो रे आपा गणित दवाया ले ली पण शांति कोन बापरी। ए छाटा लाग बाऊ आ तपत कम हुई है पूछताछ कर की वा लुगाई कौन है। जन गांव में कियो माला गांव में खियो नाउ बुलाई है भी के घर आला है वो भगवान को भगत है। रण सिंह जी विचार करे रे छाटा लाग बाऊ तपत कम हुए तो वे कोड ही जाड़ सके। रण सिंह जी जाय और खेवण जी महाराज ने कियो ए महाराज मारे आ कोड जाड़ो। खेवण जी महाराज के राजा साहब मारकन अति शक्ति को दी अति शक्ति मारकन को नी पण मारा गुरु महाराज है वे तो आ कोड जाड़ सके। बंठा को नियो को बं कोई मामलो करियो डो है भाई वहां कोई श्राप दियो डो कि ले चलो। अब खेवण जी महाराज रण सिंह जी ने लेर गया समस ऋषि जी का। समस ऋषि जी माए बेटा बेटा तपस्या करा। खेवण जी महाराज रण सिंह जी ने कियो राजा साहब के बैठो उठे बारे बारे बैठा दिया माए जाए दंडोत प्रणाम करियो। जन समस ऋषि जी जी कियो रे खेवा बोला दिना आयो रे जा गाय को दूध काट लिया तू ही पिल्लर मन नहीं पा। खेवण जी महाराज बाहर जाए गाय को दूध काट लिया महाराज ने दियो। महाराज की वायडा अब ले मतो दाप जोर तू पिला। क्यों महाराज मारे साथ में एक आदमी और है बाहर बैठो क्यों भी नहीं पाते वो दूध को कटोरो ले जा पायो पात्र टेम लगी वा कोडी जी की बिल्कुल तैयार। जन राजा की आंखें खुली विचार करियो रे इयान का किसा महाराज है बंक आश्रम का दूध पीते ही कोड तैयार हुए बंक दर्शन तो करा। जन दोन्यू आदमी जार सामने पेश हुआ हर समस ऋषि जी देखते ही फट पहचान ली अरे ओ राजा वो ही है जको आपा श्राप दियो। अरे खिवा था दोन्यू आदमियों की मिली जुली भगत है अरे जाओ था ने मारो श्राप पर दिल्ली के मायने बादशाह की क्रोध तू पटछो थे। अरे महाराज ये मत करो वचन फेरो ये कहीं करो। जन केर वायडा ए पेली का साधु संतन जका इयान का हुता मुंडा के देता बा पाकी हो जाती क्यों किवा वचन निकलो को जको तो पाको रे भाया पण क्रोध एक जकी शक्ति पड़ से। अब बा कोट जडिया के बाद में वे राजा रण सिंह जी अरे खेवण जी महाराज दोन्यों सागे उगा सत्संग करता एर प्रवचन करता एर छोकी ज्ञान जान की बात करता। जन जी टेम में दिल्ली में बादशाह को राज बी टेम में मारवाड़ में दो आदमी छोड़ेड़ा बादशाह का रुखाली वास्ता बे दोन्यों जान बटर बादशाह कन शिकायत कर दी। क्यों बादशाह मारवाड़ के मायने ने दो जना है हिंदू आम जो को रात्यों ही मिन खंड बैठाएड़ा रखे अपना प्रति भ्रम फैलावे। बादशाह ऑर्डर दे दियो पकड़ जाओ ले जा दिल्ली में पेश कर दिया। बादशाह क्यों भाई आन दुनिया ने काई सजा देवा जन क्यों सजा यान की दियो जो को न तो बचर न भ्रम फैलावे। जन क्यों एक काम करो आंखो ऊपर लो की क्रोध पटक दियो बटीनो तो वो मरा जलो वचन पूरो उणो वचन दियो डो लोग को आरो पटक दियो आंखो ऊपर चीर दियो बिछो। अब जब के खेवण जी महाराज के ऊपर बालो की क्रोध पटक बा लाग्या आनी बालो की क्रोध पड़िया हूं पहली नीमड़ा को पत्तो पड़ दो ही भाग होगा शरीर का पहली क्रोध तो ऊपर ही रहेगी
बेली नीमड़ा को पत्ता हूं ए नीमड़ा के पत्ता के क्रोध की धर्म विधि नु चालू हुई है। पहली आकड़ा ले मैं सीधो ही हो दो ही भाग होगा जन शरीर में खून को निकलियो दूध और फूल निकलिया आधो भाग तो नरणा दूध में समा दी दी बठ पूजा हुए और आधो भाग जंजाला में समा दी दी ओडी बठ पूजा हुए। हाँ राजा रण सिंह आगे वे खिवन एक सीधा पड़चो दे दियो दिल्ली के माए सतका क्रोध ले लिया सिर ऊपर जन दूध फूल वंगी देही के माए। हाँ है विश्वास सदा रिक सीधा युगा युगा अगवान या अमर ज्योत रिक्या घर में सत है सत मां के ना सत और उन देखो कौन कौन या वाणी केवे ओ जी बाबा राम देव आगे डाली भाई सीधा गुफा को दीपनिया हितकार तो ले भाई बड़े चोटी हो पाछे राम के शक्ति कविता भगतोर भगवान की जय हो के बाबा रामदेव आगे डाली भाई सीधा गुपा गुद की धनिया इतकार पढ़ दो ले भाई पढ़चो दे दियो पाछे रामदेव सतवता रामदेव जी महाराज जी टाइम मेरे माई समाधि ले बाकी खातर गुपा खुदावा तो आ डाली भाई बाछ गया चराते बट भूख जावे मैं ढोल नगारा सुनी क्या नहीं जन रुणी जे भूख जावे भीड़ी जकीन आंतरा करता करता ठेठ समाधि लेवा जठ पुगे फूग रहे रामदेव जी महाराज ने कहे बाबा काई करो क्यों समाधि ले अरे समाधि लेवो तो थाजी दूजी गुफा को दाओ आ तो मारी है। पूरी भीड़ी जकी डाली भाई ने मारे गाडवा लागरे मेल डाऊ भरीर बुलाया की भाई कठो आएगी क्यों जन रामदेव जी महाराज ने ध्यान हो वे कियो रे आ काई केवे जे की सुनो इन बारे मत काडो डाली भाई के बाबा आ समाधि तो मारी है मैं बैठ छु अरे जन रामदेव जी कियो ये भाई कोई सेंदाण बताया प्रजा माने कोनी थारी गुफा को समाधि को सेंदाण बताए जन डाली भाई कियो कियो सुहा ढूंढी ओरु खोदो इन समाधि ने सुहा हाथ ढूंढी और रुखो दो जो को औरत को श्रृंगार निकली। हाँ आज वीर जी मारी गुप्पा को सेनान आटी डोरा सोल जन रामदेव जी महाराज आदेश दियो अरे रामदेव जी महाराज का आदेश हो सुहा हाथ ढूंढू और रुखो दी उंडी खुदी ने जन वो श्रृंगार निकलियो श्रृंगार निकलियो जन लोग बागा नहीं मेलो बिलोडो हो लोग बागा जगह रामदेव जी के जवा भूलगार डाली भाई की बोलवा जन रामदेव जी पूछो डाली भाई ने के भाई तू तो आज समाधि लेवे पण मक्कद लेशी और कठ लेशी अरे डाली भाई केर गया कि भगवान तीन दिन तक बेटा बेटा भजन बोलो 11 दिन 3 दिन बाद में फलानी जगह खोद लीजो जालर को बगलिया निसर जासी। रामदेव जी महाराज मोकलाई भक्ता ने पर्चा दिया पण रामदेव जी ने पर्चो दे वालो एक ही भगत हो डाली भाई जगह की आज आज भी रामदेव जी महाराज के साथ में जोत हुए पूजा हुआ आरो देखो कौन कौन या कवे रूपा रावण मालया के ओदी दारू री कशीदा जम लो जे गायो दारू के द्वार रूपा रावण मालया के दारू री कशीदा जम लो गायो दारू के द्वार सातु जीव जमा पे शामिल सत पर मानव लुटिया पा मई सरमी
संत बाके ना सतना संबल जो की कहो भगतोर भगवान की जय हो। के रूपा और रावण माल रूपा दे जी रावण माल जी केवे रूपा और रावण माल आगे दारू रिक सीधा जमलो जगायो वे दारू के द्वार सातू जीव जमा में शामिल जन सत परवाणा वे उतरिया पार रूपा दे जी और रावण माल जी दारू जी में ग्वाल की सत्संग करी दारूजी मेघवाल के घर अगर जमलो नहीं जागतो तो रूपांदे जी बैठा आता को नी अर नी रूपांदे जी आता जन थाली में भाग लागता कोनी दारूजी के घर जमलो जाग्यो नी जन सात जीव है जका सीधा स्वर्ग में गया गया अरे देखो कुण कुण या केवे ओ जी कुमल गडका राणा कुमार जी पाचा जी नारायण केला कोमल गढ़ का राणा कुमार जी पाचा जी को नारायण केला हाँ जम्मू जगाए धनिया ने जाया साची भक्त तेरी किया केवा जम्मू जगाए धनिया ने जाया साची भक्त तेरी किया केवा हे विश्वास सुपारी कशीता युगा युगा वो लक्ष्मण होया पाचा जी नाराणा के लार जम्मू जगाई में धनिया ने जाया साची भक्ति रिखिया के माय कुमलगढ़ के मायने राणा कुमा को राज होनी बी टेम के मायने पाचा जी नाव मेघवाला भगवान का भगत अर नारायण जी नाव सिसोदिया जाति का राजपूत था नारायण जी की फौज में नौकरी ही पण बाने सत्संग सुनबा को कोड नारायण जी बे नारायण जी फौज की नौकरी घर आता नहीं जन पाचा जी दो गड़ी बैठता हताई करता अर कहता कि संता मां के फौज के मायने यान की गोलियां चल रहे जो की कियो मीन गांग आर पार निकल गया जन बे पांचा जी कहता कि मां के तो शब्द की गोली है जगह के लाग गया वे भी के जीवन भर कदे उतरे ही कोई अब देखो नारायण जी फौज की नौकरी छोड़ पांचा जी के साथ होगा दोनों जना गावा गावा में जावे अरे जमला जगावे एक दिन कटे जमलो जगावा जावा एक दिन की बात है जमलो जगावा जावा जो को गेला का मायने देव जी महाराज की प्रसादी अरे विचार करियो रे आगे कटे जी मां कुण कन मांगा भगवान को प्रसाद न्यात जी में आप ही प्रसाद ले ले दोनों जना जी बन बैठ्या भजनिया को रेंज से अलग ही रिया करे आंतरा उठापट जाए कोई भजन बोल बड़ा है जनबान पूछो रे भाई के कुण रे पांचा जी क्यों साहब मेघ वाला के बे पलातना पाची कोसली मंग बंद उठा दिया बड़ा समाज में उठावे जन थांटा है री साहब बारह निकल के हम थियो बोपा जी माया देवकार मेघरी से दिया टाल पांचों के नारायण ने तुम का झोपड़िया दीजिए बाल कितने टाइम लागी बंगे आग लागी बतावे जटाबाद में आज भी अगर देव जी महाराज की प्रसादी हुए तो या तो पहली मेघवाल ने जिमावे एक ने या पहली एक मेघवाल के घर काशो पुगावे जनजार बमान्यतम हुए संपूर्ण होनी तो संपूर्ण बने आरो देखो कुण कुण या कहे ओ जी गुरु रे की वण जस गावे माली लिखमो रुजबो देख्यो नी किया के मां विश्वास सत्ता
गुरु भगवान की जय हो। के गुरु किवण जस गावे माली लिखमो लिखमा राम जी माली समाज में संतो या नागौर के कन्ने अमरपुर गांव में बैठा का बे वो प्रमाण मनायो आर 24 प्रमाण में वो लेख है कदे आप देख जो गुरु किवण जस गावे माली लिखमो रुचबो देखियो आरी किया के माय माय अरे पढ़ती पढ़ते भक्ति कमाई मारा दाता खूब फलो जाके निष्फल ना है। हाँ है विश्वास सदारी कसीदा युगा युगा ए अगवान होया अमर जोत रिख्या गरमाई सत है सत बाके ना सत ना बोलो भगत रे भगवान की जय हो।